मैं कलमे की कसम खा के कहता हूँ, आप जोड़ लेते हैं, मैं 40 दिन रहा हूँ जिले में, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने सारी पुलिस को भी माफ किया, जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनको भी माफ किया, जस्टिस से ताकत तशद्दुद करने वाले को माफ, तशद्दुद नहीं किया सर, जिन्होंने तशद्दुद नहीं किया उनको भी माफ कर दिया सर जी। जस्टिस सदाकत अली ने मेरे भतीजों को बाजियाब कराया, उसका भी शुक्रिया। जस्टिस वकास मिर्जा साहब ने मेरे घर का ताला खुलवाया, उसका भी शुक्रिया। मैं आपको कलमे की कसम खा के कहता हूँ, ये लोगों को वैसी खबरें बनाने का शौक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जो सीपीओ जिन जहाँ मुझे ले गया 40 दिन, वहाँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना उनकी बात मानी है ना उन्होंने मेरी बात मानी। मैं कलमे की कसम खा के कहता हूँ, आप जोड़ लेते हैं, मैं 40 दिन रहा हूँ जिले में, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने सारी पुलिस को भी माफ किया है, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनको भी माफ किया है, जस्टिस से ताकत तशद्दुद करने वाले को माफ, तशद्दुद नहीं किया सर, जिन्होंने तशद्दुद नहीं किया उनको भी माफ कर दिया सर जी। जस्टिस सदाकत अली ने मेरे भतीजों को बाजियाब कराया, उसका भी शुक्रिया। जस्टिस वकास मिर्जा साहब ने मेरे घर का ताला खुलवाया, उसका भी शुक्रिया। मैं आपको कलमे की कसम खा के कहता हूँ, ये लोगों को वैसी खबरें बनाने का शौक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जो सीपीओ जिन जहाँ मुझे ले गया 40 दिन, वहाँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना उनकी बात मानी है ना उन्होंने मेरी बात मानी। शेख साहब कह रहे हैं।